Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are doing poem number 3, and the name of the poem is Da Poem. So today we are going to do the exercise of the poem. So our first question will be answer the following questions. So what is needed for twig to become healthy and strong? ठीक है, एक twig को या एक branch को healthy और strong होने के लिए क्या जरूरत होता है? ठीक है, the twig should be planted, watered and set where the sun will be above it to become healthy and strong. ठीक है, ट्विक क्या हो सकता है? जिस ट्विक को हम प्लांट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लगाते हैं, उसको ऑब्वियसली आपने वाटर देना होगा प्रॉपरली, और उसको उस एरिया में आपने लगाना होगा जहाँ पे सन लाइट जो है वो उस तक पहुँच रही हो, तब ही हमारे पास जो ट्विक होता है वो स्ट्रांग होता है और हेल्दी होता है. ठीक है, In what ways will the twig develop if it is careful? अगर आप twig के किसी branch को लगाते हैं और आप उसका ख्याल रखते हैं तो वो किस चीज़ में जो है वो develop हो जाएगा. ठीक है, If careful, the twig will develop into tall bush with many flowers and sparkling leaves. ठीक है, obviously जब आप एक twig को अच्छे तरीके से जब उसको plant करते हैं, आप उसका ख्याल रखेंगे, ठीक है, उसको water provide करेंगे, sunlight provide करेंगे, तो फिर वो क्या होगा, वो जो बुश है वो उस बुश में क्या हो जाएंगे, फ्लावर्स जो हैं वो ऑब्वियसली जो है डेवलप हो जाएंगे और उसमें लीव्स डेवलप हो जाएंगे. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज आर क्लोजेस्ट एंड व्हाट माइट बी फाउंड देयर. ठीक है, देखिए आप अगर आपने लास्ट टाइम में पढ़ा था तो हमारे पास क्लोजेस्ट क्या होती है, एक जिसे हम कैबिनेट कह सकते हैं, कबर्ड कह सकते हैं. ठीक है, सो ये पूछा इन्होंने कि व्हाट इज अ क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट क्या है और व्हाट माउंट बी फाउंड देयर. ठीक है, अ क्लोजेस्ट इज अ लार्ज कैबिनेट और लाइक एन कबर्ड फॉर स्टोरेज. ठीक है, इन इट देयर मे बी ऑड एंड एंड सच एज अ माउस ट्रैप एंड ब्लंटेड टूल्स. ठीक है, इसमें क्या हो सकते हैं, ब्लंटेड टूल्स हो सकते हैं, माउस ट्रैप्स हो सकते हैं. ठीक है, इन द क्लोजेस्ट मैंशन इन द पोएम यूज्ड मच, हाउ डू वी नो. ठीक है, अगर जो क्लोजेस्ट है उसको मैंशन किया गया है पोएम में, ठीक है, अगर ज्यादा पोएम में उसको मैंशन किया गया है, ये पूछा गया है. ठीक है, तो हाउ डू वी नो, द क्लोजेस्ट इज नॉट मच यूज, नॉट यूज मच, देयर आर माउस ट्रैप्स इन इट, एंड माउस ट्रैप इज नॉट यूज वेरी ऑफन, एंड टूल्स आर ब्लंटेड, अगेन शोइंग दैट दे आर सेल्डम यूज. ठीक है, मतलब उन्होंने एक ही जगह पे क्लोजेस्ट को यूज किया हुआ है. ठीक है, पोएम में बार बार क्लोजेस्ट को उन्होंने यूज नहीं किया हुआ. ठीक है, क्लोजेस्ट के अलावा उन्होंने माउस ट्रैप्स को भी जो है यूज किया हुआ है वहां पे, ठीक है, और ब्लंटेड टूल्स को भी जो है वो यूज किया गया. ठीक है, विल द ट्विग ग्रो इन द क्लोजेस्ट, वाई, अगर हम किसी ब्रांच को कबर्ड के अंदर रखते हैं तो वो क्या ग्रो कर पाएगा, अगर नहीं ग्रो कर सकेगा तो क्यों. ठीक है, ये हमने बताना है, रीजन बतानी है. द ट्विग विल नॉट ग्रो इन अ क्लोजेस्ट. ठीक है, कोई भी प्लांट, ठीक है, अगर आप लगाते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो कबर्ड के अंदर ग्रो नहीं कर सकता. ठीक है, बिकॉज इट इज टू डार्क. टू डार्क मीन्स कि कबर्ड के अंदर बहुत अंधेरा होता है और एक प्लांट को ग्रो करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है. ठीक है, एंड देयर इज अ लिटिल फ्रेश एयर इनसाइड, और जब जो प्लांट हम ग्रो करते हैं उसको एयर की भी जरूरत होती है. ठीक है, तो क्लोजेस्ट के अंदर या जिसे हम कह सकते हैं कबर्ड के अंदर हम किसी भी ट्विक को जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकेंगे, बल्कि ग्रो नहीं हो सकेगा. क्यों? क्योंकि एक तो सॉइल होता है, चले ठीक है, वो हमने एक जो है ना गमले वगैरह में लगा दिया, बट लेकिन क्या होता है कि आपको सनलाइट की जरूरत होती है, आपको उसे पानी देना होता है, फ्रेश एयर की भी जरूरत होती है. ठीक है, सो व्हाट इज अ कंपेयर टू इन अ सेकंड स्टैंजा. ठीक है, सेकंड स्टैंजा में ट्विग को किसे कंपेयर किया गया है, द ट्विग इज कंपेयर टू ओल्ड टू एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल. ठीक है, ट्विग को किससे कंपेयर किया गया है, एक ओल्ड ट्विस्टेड नेल से. Do you think the poet has message or messages for the reader? ठीक है, हमने ये poem पढ़ी, तो आपका क्या ख्याल है कि इस poem में कोई ना कोई message होगा, क्योंकि जब readers poem लिखते हैं, ये जब poet poem लिखते हैं ना, तो उनकी poem का कोई ना कोई main idea होता है, ये कह सकते हैं main मकसद होता है जो वो readers तक convey करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एक main message होता है. ठीक है, कि उन्होंने ये poem अगर लिखी है तो basically इस poem का क्या जो है वो
मैसेज हो सकता है इसमें, क्या मैसेज हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है इस पोइम का? यस, द पोइम हैज़ मैसेज फॉर द रीडर्स. ऑब्वियसली पोइम का पोइट जो था उसका मैसेज था रीडर्स के लिए, डैट इफ वी ग्रो आवर लाइफ्स इनटू अ बैड डेट्स, अगर हम अपनी जिंदगी को बुरे कामों में लगा लेते हैं, ठीक है, देन आवर लाइफ्स विल बिकम यूजलेस. तो हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी, ठीक है, हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा, ठीक है, अपनी जिंदगी को हम वेस्ट ही कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो लाइफ क्या हो जाती है, वो यूजलेस हो जाती है, ठीक है, जिसमें आपका कोई मकसद ना हो, कोई गोल ना हो, ठीक है, और सिंपली आप बुरे कामों में अपनी लाइफ को जो है वो ज़ाया कर रहे, तो वो लाइफ जो होती है वो यूजलेस हो सकती है. थैंक यू सो मच.